टीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 7 का वीडियो नंबर 2। तो इसमें भी अभी हाइपरबोला ही चल रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 हो चुके हैं पहली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11, इफ PN इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टू इट्स एसेंटोट्स द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PN इज, क्या होगा, सर्किल है, पैराबोला है एंड सी पार्ट है इलिप्स एंड डी है हाइपरबोला। ठीक है, PN इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट PN ड्रा किया जाता है, तो ये हमको बताना है कि क्या बनेगा। तो इसके लिए एक, अगर हम शायद यहाँ से ना दिख पा रहा हो, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इस तरह से बना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारा ये एक्स वाई कटो सी स्क्वायर, इस पे कोई पॉइंट P है और ये कोई परपेंडिकुलर पॉइंट N है। PN इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टू इज एसेंटोट्स द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PN इज, PN का मिड पॉइंट का लोकस यानी मिड पॉइंट ये हो जाएगा। इस पॉइंट को सपोज हमने X1 Y1 मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस पे एक पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, तो इसका मिड पॉइंट ये डिस्टेंस Y1 होगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा X1 एंड Y1 Y2, क्योंकि X1 ये डिस्टेंस रहा होगा एंड Y1 ये होगा, तो Y1 का मिड पॉइंट Y1/2 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लेंथ Y1 होगा और इसका हाफ Y1/2 हो जाएगा। तो Q का जो कोऑर्डिनेट आ गया X1 एंड Y1/2, X1 को हम H लेट कर लेंगे और ये मान लिया K। ठीक है, तो H एंड K दो पॉइंट्स हैं, तो Y1 बराबर हो गया हमारा 2K। और इसमें देखिएगा H बराबर X1 है, X1 Y1 अगर इस पे लाई करता है XY बराबर सी स्क्वायर पे, इसको अगर लाई करा देते हैं X1 Y1 का टू सी स्क्वायर, X1 Y1 इस पॉइंट ये यहाँ पे है ही है, इसको अगर लाई करा देते हैं तो X1 Y1 कोई पॉइंट P है, लाई कर ही रहा है, तो X1 की वैल्यू है हमारे पास H एंड Y1 बराबर 2K। ठीक है, X1 बराबर है हमारे पास H एंड Y1/2 बराबर K, यानी कि Y1 बराबर है 2K। तो ये वाली वैल्यूस अगर हम ड्रा कर देते हैं X1 बराबर H एंड 2K बराबर सी स्क्वायर, ठीक, तो HK बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2, HK बराबर सी स्क्वायर बाई 2। अगर इसका लोकस लिया जाए, लोकस एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2, एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन रहा है X5 बराबर सी स्क्वायर अपॉन 2, ये एक हाइपरबोला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, 12 नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, पी इज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला
पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एन इज द फूट ऑफ परपेंडिकुलर, फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द ट्रांसेसिव एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, द टेंजेंट टू द पैराबोला टू द हाइपरबोला, सॉरी टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी मीट्स द ट्रांसेसिव एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एट टी If O is the center of hyperbola, then OT into ON बराबर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर या ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इनमें से बताना है। अब देखिएगा, काफ़ी लैंग्वेज हो गई इस क्वेश्चन में, पी जी टी के मतलब का क्वेश्चन है, और पी इज़ द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला पे कोई पॉइंट है पी, हाइपरबोला सपोज हमारा ये मान लेते हैं पी इज़ द पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, सपोज मैंने ये पॉइंट पी मान लिया, इसके पॉइंट हमने ले लिए एक्स वन वाई वन, ठीक है, पी इज द पॉइंट ऑफ एन इज द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एन हो गया, एन इज द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस ही है, एंड द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि इस पे जो टेंजेंट है मीट द ट्रांसवर्स एक्सिस एट टी, कहीं किसी पॉइंट टी पे मीट कर रहा है, मिला है, O इज़ द सेंटर ऑफ, O इज़ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, यानी कि T कुछ पास होके निकला होगा, यहाँ पे O है और T सपोज इसके आगे है, यानी T एंड O अलग अलग पॉइंट है, हो सके ऊपर से निकला हो थोड़ा सा, और O इज़ द सेंटर, तो कहा है ओ टी इंटू ओ एन, ओ टी इंटू ओ एन की वैल्यू फाइंडिंग करना है, तो फिगर कन्फर्म हो ही गया होगा, और अगर थोड़ी सी अगर दिक्कत आ रही, वैसे कोई खास दिक्कत वाली बात ही नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से जा रहा होगा, है ना, एंड ओ सेंटर होगा और टी ये पॉइंट है, ये थोड़ा अलग अलग पॉइंट है, तो ओ टी इंटू ओ एन की वैल्यूज इसमें फाइंडिंग करनी है। पी को मैंने एक्स वन बाई वन मान ही दिया है, एन जो पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स वन रही होगी और ये वाई वन रही होगी, एन का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वन कोमा जीरो हो गया होगा, एन का कोऑर्डिनेट, अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालना चाह रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा इस पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्स एक्स वन वाई ए स्क्वायर माइनस का वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि इसके इस पर सी का समीकरण आ जाएगा। एट पॉइंट टी, टी पे मीट कर रहा है, तो टी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई इक्वल टू जीरो होगा, है ना, एट पॉइंट टी, पॉइंट टी पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ये वाई बराबर जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट टी एक्स एक्सिस पे है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एट यहाँ लिख सकते हैं एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू वन, तो हम एक्स वन की वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं, एक्स वन यहाँ पे ए स्क्वायर बाई एक्स आ सकता है, टी पर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स वन, यानी कि जो डिस्टेंस पॉइंट एक्स है वो ए स्क्वायर बाई एक्स वन आ गया, तो टी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई एक्स वन कोमा जीरो, ठीक है, टी का पॉइंट हमारे पास आ चुका है, एन का पॉइंट आ चुका है, अब ओ टी, यानी ओ टी जो होगा, ओ सी टी की जो डिस्टेंस होगा वो ए स्क्वायर बाई एक्स वन ही होगा, एंड ओ एन ये डिस्टेंस होगा एक्स वन होगा, तो हमारे पास इनका मल्टीप्लाइंग देना था, तो ओ टी बराबर है ए स्क्वायर बाई एक्स वन, एंड
ओ एन है एक्स वन, तो ओ टी इंटू ओ एन इक्वल टू है ए स्क्वायर बाई एक्स वन इंटू एक्स वन, कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर आ गया। ओ टी इंटू एन वैल्यू फाइंडिंग करना था, ए स्क्वायर ऑफ जो क्वेश्चन हो जाएगा, लैंग्वेज फिगर क्लियर हो गया है तो काफ़ी हेल्प होगी आगे को इसको करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 32, कितना है 12 हो गया, 13 नंबर होना है, 13 नंबर। बहुत दिक्कत हुआ करेगी, अब डस्टर से मिट ही नहीं पाता है, बिल्कुल नहीं मिटता है, और खुरदरी का प्लेस ही ले रहे हैं तो अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तेरह नंबर, 30 नंबर, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच इफ, जो लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच द हाइपरबोला, हाइपरबोला को टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि स्पर्शी युग्म का समीकरण सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी पे हमारे पास पॉइंट्स है, ए लाइन है, लाइन 5x प्लस 12y बराबर 9 टच द हाइपरबोला, टच द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, टच करती है तो इसमें मतलब सी है शायद, वो सी का वैल्यू फाइंडिंग करना है, सी क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, इसकी वैल्यू निकालना है, 12 बाई इक्वल टू माइनस का 5x प्लस सी एंड बाई इक्वल टू माइनस का 5 बन 12 एक्स प्लस सी, कंपेयरिंग करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम इक्वल टू माइनस का 5 बन 12, सी की वैल्यू सी ही है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1, 9 से डिवाइडिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से ए स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी सी का ही स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर यानी कि 9 एम स्क्वायर माइनस का 5 बट 12 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 25 बटे 144, 25 नम्मा 225 होता है 225 बट 144 माइनस 1 एलसीएम लेंगे, 225 माइनस का 144 टेन सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 और 8 और 144 एंड सी इक्वल टू होगा 9 अपॉन 12। ठीक है, 9 अपॉन 12 को कट कर सकते हैं, 3 × 9 = 3/4। ठीक, तो वहाँ पे सी की वैल्यूज अगर फाइंडिंग करनी है तो इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक है, सॉरी सी का वैल्यू फाइंडिंग करना था, अगर यहाँ पे सी दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर ये आ जाए कि इसके पॉइंट अगर फाइंड करने हैं तो यही क्वेश्चन, अगर ये पॉइंट है टच इतना, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको 15 नंबर कह देते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कहाँ पे ये टच कर रहा है, यानी किस पॉइंट पे टच कर रहा है, अभी तक तो ये टच कर रहा है वो कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंडिंग करना था, तो अब इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इस टाइप में ज़्यादा आ रहा है एग्ज़ाम में कि कहाँ टच कर रहा है, टच करने वाली वैल्यू तो आसानी से निकाल ली जाती है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसके लिए देखिएगा हम स्लोप तो यहाँ पे
रहेगा ही वही वाई कट बाई एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करके एम कट माइनस का 5/12 आ जाएगा, स्लोप निकाल ही लेंगे। सो स्लोप की जरूरत पड़ने वाला एम, ए एंड बी की वैल्यू ये भी जरूरत पड़ने वाला ए एंड बी, वो भी हमने निकाल ही रखा है, पहले से निकला रखा है। अब बात आता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स का फॉर्मूलाज होता है उसे वैल्यू ड्रा कर देते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स जिस जगह पे टच कर रहा है वो होगा एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन बाय स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स होंगे, इसमें अगर वैल्यू ड्रा कर देते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल आएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर पता है एम पता है तो कोई खास दिक्कत है ही नहीं, बी स्क्वायर भी मालूम है, सी की जरूरत पड़ ही नहीं रहा है, एक्स एंड वाई निकालना है। 9 × (m·−5/12) अपॉन अंडर रूट 9 × ये हो गया 25/144 और बी स्क्वायर यानी कि 1 है एंड बाई इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर है आपका 9 एंड एम 5/25 कैलकुलेशन करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे एक्स एंड वाई आ जाएगा तो कैलकुलेशन की कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट और इंटरेस्टिंग आ रहा है पॉइंट नंबर 16, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता चला जाए, क्योंकि पीजीटी का क्वेश्चन है तो पीजीटी कॉम्बाइंड टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के हिसाब से ही काम चल रहा है, क्योंकि मे भी टीजीटी में भी बंदे बैठेंगे वो पीजीटी भी, और आजकल ये कुछ नहीं रह गया है कि टीजीटी पहले होता था कि इजी पेपर ही आता था, 2010 तक आया है वो 13 में भी, परंतु 11 और 16 के पेपर को देख के नहीं लग रहा है कि इस तरह का कुछ होगा, कोई ऐसा भी पेपर आ सकता है। 11 का टीजीटी बहुत टफ था और पीजीटी बहुत इजी था, तो ऐसा भी देखा जा रहा है। पॉइंट नंबर 16 होगा शायद, 15 हो चुके हैं और 16 नंबर में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट T1 and T2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट T1 and T2 पे अगर काट रहा है टू द हाइपरबोला xy = c² इस, तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने हैं, है ना, यानी पॉइंट फाइंडिंग करने हैं कि पॉइंट क्या होंगे, जो पॉइंट्स हैं हमारे उनकी वैल्यू क्या आएगी। अब बात आती है कि कोई हाइपरबोला के टेंजेंट से T1 and T2 पे कट कर रहा है, तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सपोज ये है, उसका जो टेंजेंट है इस तरह से कर रहा, ये पॉइंट सपोज T1 है और ये पॉइंट सपोज T2 है, तो इस तरह से टच कर रहा तो T1 T2 पे ये वैल्यूज फाइंडिंग करना है, मतलब ये पॉइंट फाइंडिंग करना, कहाँ से ये इंटरसेक्शन पॉइंट T1 T2 है, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी मिड पे जहाँ पे कट किया है। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट T1 and T2, यानी इंटरसेक्शन ऑफ T1 T2 है, तो यहाँ पे किस जगह कट किया है टेंजेंट लाइन ने, तो वो हमको फाइंडिंग करना है। तो T1 जो लाइन था हमारा xy = c² से टेंजेंट्स हम निकालेंगे टेंजेंट एट T1 and T2 से, T1 सपोज ये था और T2 सपोज ये था, T1 T2 से और बीच का xy हमको फाइंडिंग करना है, तो T1 से टेंजेंट आएगा प्लस yT1 इक्वल टू 2c। चलो इसका सॉल्विंग करेंगे तब ये कंडीशन आ जाती है। कोई अगर चाहता है कि कैसे निकालिए xy1 इसका yx1 इक्वल टू c इसका, टेंजेंट का इक्वेशन T1 से निकाला गया होगा,
T1 से निकालने के बाद ये आ गया, सॉरी, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ा होगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, वाई माइनस का वाई बन कर माइनस माइनस सॉरी एम एक्स माइनस का एक्स वन रखा गया होगा, और इसके प्राचल कोऑर्डिनेट रखे गए होंगे एक्स अपॉन टी एंड बाई एक्स अपॉन टी एंड वाई, ठीक है, नहीं, ए टी एंड सी टी एंड सी अपॉन टी इस तरह से रखा हुआ है, तो टी की जगह टी वन हो गया होगा, यानी कि एक्स वन इक्वल टू होगा सी अपॉन टी एंड जो वाई वन इक्वल टू होगा सी टी एंड सी अपॉन टी, ये सारे सी टी है, हाँ सी टी और ये सी अपॉन टी है, इस तरह से रखा होगा, तो पहले पॉइंट को टी वन कह दिया गया होगा, तो सोल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगा ये टेंजेंट्स का इक्वेशन, अगर निकालना चाहें तो ऐसे टी टू से निकालेंगे तो यहाँ टी वन टी टू कह देंगे, तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा टी टू प्लस का बाई टी टू इक्वल टू सी, तो ये कंडीशंस है, फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इसमें अब मिड में आ चुके हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के जो टेंजेंट्स का इक्वेशन होता है वो ये, क्योंकि फॉर्मूला भी इसका लिखाया जा चुका है, और इस तरह से बनाएंगे अगर पॉइंट रख के इसमें वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करके यहाँ रख देंगे और वही क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि दो टेंजेंट्स हैं एक टी वन से एक टी टू से, या दोनों बीच में कहीं एक्स वाई पे मिड कटिंग कर रहे हैं, अभी को सोल्विंग करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे टी वन टी टू के टर्म में, और कुछ नहीं करना है, और तो क्या किया जाए, इनको जो है सोल्विंग लेना है, तो पहले इक्वेशंस को टी टू से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, बाय वाला टर्म कट करना है, सपोज इसको मैंने टी टू से मल्टीप्लाइंग कर दिया, इसको टी वन से मल्टीप्लाइंग कर दिया और सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, तो ये होगा एक्स टी टू बाई टी वन माइनस का एक्स टी वन बाई टी टू, ये दोनों बाई टी वन टी टू हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और इक्वल टू बचेगा टू सी टी टू माइनस का टू सी टी वन, एक्स को मैं निकाल लेंगे टी टू बाई टी वन माइनस टी वन बाई टी टू इक्वल टू टू सी टी टू माइनस टी वन, और टी टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टी वन टी टू इक्वल टू टू सी टी टू माइनस टी वन, तो एक्स टी टू माइनस टी वन टी टू प्लस टी वन टी टू इक्वल टू टू सी टी टू माइनस टी वन, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू सी टी टू टी वन प्लस टी टू, ऐसे ही बाय निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट में या टू में, तो बाय निकल आएगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालने थे, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब बाय की वैल्यू निकालनी है आसानी से, इक्वेशन अगर फर्स्ट में रख दें वैल्यू या टू टू में रख दें निकाल सकते हैं, या फिर इसी से भी निकाली जा सकती है, रख देते हैं इससे भी निकाली जा सकती है, इससे भी निकाली जा सकती है एक्स और सी स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं से निकाल के चलते हैं क्योंकि जनरल इक्वेशन तो यही है, एक्स अपॉन टी वन प्लस टी वन की एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू है टू सी टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू प्लस बाय टी वन बराबर टू सी, तो टी वन से टी वन कैंसिल हो गया, एंड बाय टी वन इक्वल टू टू सी माइनस का टू सी टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, यहाँ से हम टू सी कॉमन निकालेंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगा, टू सी कॉमन लेंगे वन माइनस का टी टू वाई टी वन प्लस टी टू, और कैलकुलेशन करना है बस, ज़्यादा कुछ काम नहीं बचा है, वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है आसानी से, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आसानी सी है, कोई दिक्कत नहीं है, और टी वन प्लस टी टू माइनस टी टू ये कैंसिल हो जाएगा और टी वन से टी वन निकल आएगा, तो बाई कल टू आ जाएगा टू सी अपॉन टी वन प्लस टी टू, यानी कि टू सी अपॉन टी वन प्लस टी टू, ठीक है, इस तरह से बाई निकल पाएगा। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ, काफ़ी बार आता रहा है, और जैसे डी एस एस बी एन बी एस वगैरह में जहाँ सॉल्यूशन करने के लिए आता है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पॉइंट्स निकालने के लिए सोल्व करने के लिए आ चुके हैं,
और एमपी वगैरह में हरियाणा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट पे ऐसे क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लाइन, एक लाइन है एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी टू जीरो इज ए नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि अभिलंब है नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई का टू वन, एक्स वाई का टू वन, देन क्या कंडीशनें हो सकती है ए ग्रेटर टेन टू जीरो एंड वी ग्रेटर टेन टू जीरो, और वी ऑप्शन है ए ग्रेटर टेन टू जीरो, वी ग्रेटर टेन टू, वी इज लेस देन टू जीरो और ए इज लेस देन टू जीरो, वी इज ग्रेटर टेन टू जीरो एंड सी पॉइंट है ए इज लेस देन टू जीरो, वी इज लेस देन टू जीरो एंड डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। कोई लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज द नॉर्मल ऑफ द कर्व एक्स वाई इक्वल टू वन, एक्स वाई इक्वल टू वन का अगर वो नॉर्मल है तो इनमें से कौन कंडीशन बराई कर सकता है। अब बात आती है कि जो स्लोप होती है एम, एम को एम ऑफ द नॉर्मल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इन दिस केस यानी कि ए बड़ा है बी या छोटा है, और ए छोटा है तो बी बड़ा है, तो वहीं पे एम का वैल्यू जो है ग्रेटर देन टू ज़ीरो हो सकता है, या तो ए कोई ना कोई सी नेगेटिव हो, या तो बी नेगेटिव हो या ए नेगेटिव हो, छोटा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम का वैल्यूज आएगा यहाँ से निकल के, अगर यहाँ से स्लोप हम एम निकालते हैं तो माइनस का अपॉन बी आएगा, तो ये दोनों बड़े हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और दोनों छोटे हैं तो फिर भी नेगेटिव रह जाएगा, यानी कि या तो ये कंडीशंस होगी या ये कंडीशन होगी तभी आएगा, यानी कि जो नॉर्मल्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, एम इज़ द नॉर्मल्स ऑलवेज पॉजिटिव एक्स वाई इक्वल टू वन का, तो पॉजिटिव ना तो इससे पॉजिटिव आ रहा है तो ना ही इससे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें बड़ा है या छोटा है, छोटा है या बड़ा है, तो एक जीरो से छोटा होगा तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन बराई कर जाएगी। ठीक है, बस को करना कुछ नहीं था, केवल दिमाग लगाना था क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन कहे जाते हैं, केवल देखने में हार्ड लगेगा, अरे ये पता नहीं क्या है ये है, तो और जो देखने में अजीब और हार्ड लगता है उसमें होता कुछ नहीं है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है मनोबल भी गिराते हैं, परंतु हाँ अब उसको हमको यही चेंज करना है कि भाई जो क्वेश्चन छोड़ते आए हैं वो छोड़ना नहीं है, और उन्हीं क्वेश्चनों पर हम पहले फोकस दे रहे कर रहे हैं। अब आती है द इक्वेशंस, एक इक्वेशन से हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 12y माइनस का 44 बराबर जीरो रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये कोई हाइपरबोला है तो इसकी इसेंट्रिसिटी ई क्या होगी, ई फाइंड करो, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना यानी कि उत्केंद्रता फाइंड करना है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी बुक में होना बाकी है, वो हमने अभी कराया नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी करा देते हैं, 32x माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 12y, क्योंकि एक पहली वीडियो डे नंबर 6 में कुछ इजी लेके चले, फिर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स पे इस तरह से बनाते रहते हैं, क्योंकि एक वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट हो और एक वीडियो काफ़ी इजी है तो वो यूपी बोर्ड की है तो यूपी बोर्ड का ही उसमें रहेगा, 3 × 12 = 44, इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बना लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 एंड ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 44, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16x माइनस 1 का हाफ स्क्वायर माइनस 1 एंड ये हो जाएगा वाई माइनस 2 का हाफ स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 44,
ये होगा 16x-1 का स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का 3 बाई माइनस 2 का हल्फ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 44 और माइनस 4 बचता है, माइनस 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 4 उधर चला गया 48 हो जाएगा। 16x-1 का स्क्वायर माइनस का 3y-2 का हल्फ स्क्वायर इक्वल टू 44 पहले से माइनस 4 इधर आके ऐड हो गया 44 से डिवाइडिंग अगर करते हैं तो 16 नेक्स्ट लाइन बन जाएगा 16x-2/48 माइनस का 3y-2 का स्क्वायर बाई 48 इक्वल टू 1। कट करेंगे तो अब इसेंट्रिसिटी फाइंडिंग करना आसानी से हो जाएगी। ये हो जाएगा 16 × 48 x-1 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का y-2 का स्क्वायर वही 16 × 48 इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू x-1 में लेट कर लेंगे, वाई इक्वल टू y-2 लेट कर लेते हैं तो x²/3 माइनस का y²/16 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग करेंगे x²/a² माइनस का y²/b² इक्वल टू 1 से तो a² इक्वल टू 3 आ जाएगा, b² इक्वल टू 16 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b² = a² e² - 1 हाइपरबोला है, b² = a² होता है। b² = a² है तो यहाँ पे जो कंडीशंस हो जाएगी यानी कि 16 = 3 e² - 1 एंड 16 = 3 e² - 3 और 3 यहाँ होगा 19 = 3 e² और 19/3 = e² एंड e√19/3 ई का वैल्यू निकल आएगा √19/3। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशंस निकाली जा सकती है और 18 नंबर हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चंस 19 ई का वैल्यू निकालना था, ई का इसमें आ ही चुका है, इसेंट्रिसिटी निकाल ही चुके हैं। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 3y² - 8x - 18y + 35 बराबर के क्या रिप्रेजेंट करेगा। ए पॉइंट है नो लोकस इफ k < 0 एंड बी पॉइंट्स है एन इलिप्स इफ k < 0 एंड सी पॉइंट है ए पॉइंट इफ k = 0 एंड डी पॉइंट है ए हाइपरबोला इफ इस k < 0। ठीक है, तो k पर डिपेंडिंग करता है तो ऐसा क्वेश्चन अब आने लगे हैं। पहले तो होता था कि चलो ठीक है नहीं डाल रहे हैं, पर तो अब जो है सब टाइप के क्वेश्चन आने लगते हैं भाई, थोड़ी सी समस्या हो गई है। अब के पर डिपेंडिंग करेगा के अगर क्या है तो रिप्रेजेंट द लोकस एलिप्स है कि हाफ बोला है कि क्या है ना, तो हम अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बना के चलते हैं 2x² - 8x + 3y² - 18y + 35 = k है, इसमें कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन लिए x² - 4x हो गया, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे y² - 3x = 6y हो जाएगा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बना लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x + 4 - 4 + 3 होगा y² - 6y + 3
और 9 माइनस का 9 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए समझ ही रहे होंगे, ये x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर 35 इक्वल टू k, तो ये होगा 2x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3, y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 35 इक्वल टू k, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 3, y माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 35 इक्वल टू k, 35, 27 और 8 35, 35 ओके, ये कैंसिल हो जाता है, 2x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 3 y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू k। अब की 0 से अगर छोटा है तो नो लोकस, कोई कुछ बन ही नहीं पाएगा, k 0 से छोटा है तो एलिप्स बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा, एलिप्स नहीं बन पाएगा, k इक्वल टू 0 से छोटा है, यहाँ कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, 1, 2 कुछ पॉइंट होने चाहिए, और माइनस बीच में होता तो हाइपरबोला बन सकता था, के 0 से बड़ा है तो ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। इलिप्स क्यों नहीं बनेगा, 0 से छोटे ही बात कर रहा है, अगर 0 के इक्वल टू 0 कहता, नहीं सॉरी के इज़ ग्रेटर दैन टू 0 यहाँ पे बोलता, ग्रेटर दैन टू 0 यानी कि 1, 2 कुछ होता तो इलिप्स बन जाता, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 0 कहा है, लेस देन 0 इलिप्स नहीं बन पाएगा। अब बात आती है लोकस के, 0 से छोटा है तो कोई लोकस, 0 से छोटा निगेटिव में होगा तो लोकस तो तब भी रहेगा, उन्होंने कहा नो लोकस, तो ये लोकस तो कुछ ना कुछ है, के की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 रख दें 0 से छोटे में तो भी कुछ ना कुछ लोकस है, पहला नो लोकस, एड ए पॉइंट, ए पॉइंट के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 है तो कोई ना कोई पॉइंट बनेगा ही, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 वाई माइनस 3 का हालत स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 0 ले लें और कंपेयरिंग कर लेंगे, इसके यहाँ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 2 एंड वाई बराबर 3, इस तरह से ये पॉइंट्स बन जाएगा, ए पॉइंट्स इफ के इक्वल टू 0 हो, के इज इक्वल टू 0 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या कि 20 नंबर, वो 2 से 3 क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि एक करा दिया जाए और 1-2 क्वेश्चन उसमें जो है अगला नंबर बना के छोड़ दिया जाए, ट्राई कर सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, 21-20 करा देते, 21 ड्रा कर देते आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉरी काम भी मिलता रहना ज़रूरी होता है, नहीं तो आलसी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन में कहा है द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला, जब पेपर थोड़ा टफ आता है कोऑर्डिनेट ज़्यादा डालते हैं, मान के चलिएगा कोऑर्डिनेट ही कोऑर्डिनेट पर दिया है, 16 वाले TGT में UP में काफ़ी कोऑर्डिनेट रखा था, तो ऐसे से क्वेश्चन आए थे है ना, रिप्रेजेंट वाले ज़्यादा आए थे, तो वहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के थे, तो डिपेंडिंग कर रहा था कोऑर्डिनेट पर, लग रहा था कल ले जाएंगे एंड नहीं भी होया, बहुत लोग कर भी डाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तुक्के लगा दें वो भी सही हो जाता है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई माइनस 5 का स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 एंड बी है एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 एंड सी है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 16 वाई माइनस 5 का स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन में कहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंडिंग करना है, फोकस दी हुई है एंड इसेंट्रिसिटीज दी हुई है, ई की वैल्यू 5/4 दे रखा है, फोकस 6/5 एंड माइनस का, अब देखिएगा जो एक फोकस यहाँ होती है और एक यहाँ, सपोज हाइपरबोला है तो फोकस का जो मिड पॉइंट होता है दोनों फोकस का वो सेंटर होता है, तो सेंटर अगर हम निकालें, सेंटर निकाल लें तो 6-4/2 एंड 5+5/2 और ये हो जाएगा 3/2 एंड 5, ये सेंटर हो जाएगा, उसे कोई खास फ़ायदा तो हुआ नहीं सेंटर निकालने से। अब बात आती नाभियों के बीच की दूरी 2AE
दोनों के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगा 2AE, या यहाँ से यहाँ तक 2AE होगा, 2A अंडर रूट 6 माइनस माइनस प्लस, यानी 6 प्लस 4 का हाल ऑफ स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 5 का हाल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 2AE इक्वल टू 10 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 10 हो जाएगा, तो AE इक्वल टू हो जाएगा 5 AE इक्वल टू 5 हो गया। और इसेंट्रिसिटी भी दिया है, E का मान दिया है 5/4, E इक्वल टू 5/4 दिया है। यहाँ पे हम रख सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू आ गया 4। अब फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ सेंटर, ओ सॉरी 2/2 यानी कि 1 होगा, जी कह रहे सेंटर का यूज़ होना है, सेंटर का यूज़ होना है, क्योंकि सेंटर 0-0 होता तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर पॉइंट बी स्क्वायर हो जाता, बट सेंटर 0-0 नहीं है, सेंटर कहीं 1.5 पे लाई कर रहा है, ये है 1.5 पे सेंटर है और 0-0 पे नहीं, ये माने 0-0 है, 0-0 होता तो एक्स स्क्वायर पॉइंट स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर पॉइंट बी स्क्वायर बराबर 1। अब जल्दीबाजी में क्या होगा, अगर ए एंड बी फाइंड कर लिया तो ये आंसर लगा के आ जाएंगे, परंतु सेंटर पर डिपेंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर का भी इसमें काफ़ी रोल है, क्योंकि सेंटर जो है ओरिजिन पे नहीं है, 0-0 पे नहीं, सेंटर थोड़ा हटा हुआ है, ये पॉइंट भी इसमें लॉजिकल पॉइंट है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पीजीटी में आता है तो थोड़ा सा ट्रिक तो होता ही है, लगता है कि सही किया है, सही करते करते भी गलत हो जाता है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंडिंग करने वाले हैं, एंड ए स्क्वायर 16 एंड ई स्क्वायर माइनस वन, ई की क्वांटिटी 5/4 यानी कि 25/16 माइनस का 1, और सोल्विंग कर देते हैं 16 और 25 माइनस का 16 यानी कि 9, ए माइनस 16 बी स्क्वायर बराबर 9 हो गया। अब देखिएगा सेंटर 1.5 है, सेंटर अगर 0-0 होता तो इक्वेशन ये हो जाता, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 16 बाई स्क्वायर पॉइंट बी स्क्वायर का 1, ठीक है, जो सेंटर क्या है 1 एंड 5, तो एक्स माइनस का 1 का स्क्वायर बटे एंड बाई माइनस का 5, यानी कि ये इसका आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला पार्ट, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपन 16 माइनस का बाई माइनस 5 का स्क्वायर अपन 9 कट ओवर, ये वाला आंसर इस करेक्ट आंसर है, इसकी सेंटर भी डिपेंडिंग कर रहा है। और मैं एक क्वेश्चन और इसी पे देने वाला हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, फोकस है 6.4, ट्राई करेंगे, एंड माइनस 4.4 इसेंट्रिसिटी से 2 इक्वल टू 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सेम ऐसे ही होना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस चालू करेंगे वीडियो नंबर 3 पॉइंट नंबर 22 से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सेम ऐसे ही लगाया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, सेम वैसे ही होना है, तो एक जैसा क्वेश्चन अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात होती है, और मुझको लग रहा है कि एक और मैं बढ़ा देता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन हो चुका है, मुझे लगा किसी इलिप्स के साथ हो चुका है, इलिप्स वाली वीडियोस में, परपेंडिकुलर फ्रॉम टू फोकी ऑन एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का 1 इज लंबों का गुणनफल बी स्क्वायर होता है, तो हाइपर इलिप्स में भी बी स्क्वायर होता है और हाइपरबोला में भी बी स्क्वायर ही होता है। तो क्वेश्चन ये था कि द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला इज बी स्क्वायर, यानी कि अति परवलय, हिंदी वालों के लिए बोल देता हूँ, अति परवलय के फोकस से जाने वाले किसी टेंजेंट पर लंबों का गुणनफल क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ऐसे इलिप्स में था तो मैंने इलिप्स के साथ इस क्वेश्चन को लगा दिया था, इलिप्स में भी यही था, उसका भी लंबों का गुणनफल बी स्क्वायर ही आता है, अति परवलय का भी लंबों का गुणनफल बी स्क्वायर ही आता है। अगर फिगर की बात कहें तो फिगर इस तरह से रहेगा, कोई फोकस है ए कोमा 0 और ए के टेंजेंट है कोई, और ये है माइनस ए कोमा 0, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये सपोज पी1 है और इस वाली फोकस से
परपेंडिकुलर डायग्राम में पी टू है, तो लंब होगा गुणनफल यानी कि पी वन इंटू पी टू इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो 22 पॉइंट अब हो गए हैं, ये ट्राई करने के लिए दे दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो से।